भगवान से प्रेम है तभी अपनी प्रिय वस्तु जी, और फिर उनकी कथा सुन के और प्रेम बढ़ गया, तो फिर भगवान अपने आप को उसके सामने प्रकाशित कर देते हैं। अपना स्वरूप पहले भगवान का भजन करते करते भगवत तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि भगवान क्या है, और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जब वो श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास जाता है, उनका उपदेश सुनता है, तो उसको पता लग जाता है कि वो भगवान मुझसे दूर नहीं है, मेरी अंतरात्मा है। अंतरात्मा समझ लेना प्रेम की पराकाष्ठा है। दो व्यक्तियों का परस्पर प्रेम हो तो लोग कहते हैं भाई राम लक्ष्मण जैसे भाई है, और दोनों का प्रेम बढ़ जाए तो लोग कहते हैं दाहिने बाएं हाथ है, और प्रेम बढ़ जाए तो कहेंगे वो हमारी आंख है, और प्रेम बढ़ जाए तो कहते वो मेरा प्राण है, और उसके बाद और प्रेम बढ़ा तो कहते हैं भाई शरीर जो है आत्मा एक अभेद हो गया। किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया, अभेद भावना ही सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहलाता है, तो इसी का नाम ज्ञान है। तो ये भक्ति के द्वारा मधुसूदन सरस्वती ने कहा है तस्यैव अहम् ममैव असौ सोऽहमिति त्रिधा। पहली भक्ति होती है कि मैं उनका हूं, दूसरी श्रेणी में आया तो मैं वो मेरे हैं, ममैव असौ मेरे ही है, और तीसरी में सोऽहम् मैं वही हूं। किसी भक्त ने कहा है दासोऽहमिति बुद्धिः पूर्वासीन मधुसूदने दाकारोपहृतत्वेन गोपी वस्त्रापहारिणा। कहते हैं गोपियों के वस्त्रों के हरण करने वाली भगवान की आदत है हरण कर लेना, तो मेरी बुद्धि भगवान के प्रति थी दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम कह रहे थे, तो इन्होंने दा का हरण कर दिया। दा का हरण कर दिया तो क्या बचा का सोहम। कितनी सी भक्ति, ये ज्ञानियों की भक्ति। इस तरह से प्रपेद इंद्रो चुन से गतम बराम, जो परम गति है ज्ञान निष्ठा जीवन मुक्ति, उनको सहज में ही प्राप्त हो जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय गोविंद रामो करमा देती।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का वो माता की वो हत्या हर हर महादेव। Thank you.